आपको व्यू करा रहे हैं मीडिया टाउन का, पिंडी की एक बहुत अजीम रिहाइश जहाँ पे अजीम बंदा रहता है जिसका नाम है वजन सर। सब्सक्राइब किया हुआ उन्होंने? जी जी जी, आपके चैनल को उन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ उन्होंने भाई उन्होंने इधर तक यार तू काम कर एक तो, खुदा की कसम यार, ये इस्लामाबाद में आता है, पिंडी में आता है। इसकी लोकेशन बिल्कुल जो है वो मेरिया टाउन के बराबर में, इसको कहते हैं मीडिया टाउन। धक्का लगाना है और आप ये देख रहे हैं वजन सर किसी की हेल्प करते हुए धक्का लगाते हैं। सुबह सुबह वजन सर आपको धक्का लगा के कैसा लगा? मैं पता है आप बहुत ज्यादा घसीटते नहीं है धक्का लगाने वालों में। अच्छा चले भाई दोबारा सफर आगाज करते हैं। वजन सर भाई एक भाई की हेल्प करते हुए आए, वैसे ही गेटेड सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है। और ये देखें घर इस तरीके से बने हुए इधर, अभी यहाँ की वैल्यू भी माशाल्लाह काफी ऊपर जा चुकी है। वैसे जब हम आए थे तो भिंडी का मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये है कि काफी गर्मी शुरू हो गई है और ऐसी गर्मी हो रही है कि बस ना पूछे। लेकिन जिधर हम जा रहे हैं वहां पे तो भाई हमें खास जगह पे लेके जा रहे हैं, अब इंशाल्लाह वहाँ जाके पता चलेगा कि वो कैसी जगह है। तो हमने कहा हम इनके घर आए हुए तो मीडिया टाउन का भी एक विजिट करवा दें। ये मेरा ख्याल है तकरीबन 60 फीट या 50 फीट वाइड रोड है, अभी तक पूरा फुलफिल इसमें आबादी तो मेरे तक कंप्लीट नहीं हुई है, काफी प्लॉट्स बाकी हैं। जो बंदा यहाँ रिहाइश करना चाहता है वो यहाँ के खरीदे और खुद रह ले। और ये इसका मेन एंट्रेंस है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, और ये इन्होंने एक मॉडल पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही। ये पानी का फिल्टर प्लांट लगा दिए, और ये इसका मेन गेट है, इसको बोलते हैं मीडिया टाउन। जी भाई जाफर कैसा फील कर रहे हैं आप? टाउन फील कर रहे हैं, अभी जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे तो उसके बाद हम एनर्जी आएगी। और आजम सर भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारे पीछे जाफर भाई बैठे हुए हैं, पिंडी के रूह और हवा पिंडी जाफर भाई की वजह से चलता है। और आजम सर भाई आपकी वजह से क्या चलता है? अल्फाज नहीं है आपके पास? जाफर भाई पता नहीं नाराज हैं। जिस तरह हम आए हैं ना जाफर भाई बयान तो करें किस तरह आए, वो आप अपनी ऑडियंस को बताएं तो पता लग जाएगा। हम लोग कल आए माशाल्लाह से, आप बताइए, सीडी 70 पे तीन बंदे बैठ के आए रात को 1-1.30 बजे, और आपको नहीं पता कि हमारी टुहियों का क्या हाल हुआ। हमारी टुहियां टुही टुही कर रही थी, और जाफर भाई की ड्राइविंग, और फिर गदनसर भाई हमारे पीछे बैठे हुए थे, तो सवाल आ गया था भाई। और इस वक्त हम जा रहे हैं, गदनसर भाई किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, पहले तो आ रहे हैं करने उसके बाद इस्लामाबाद के लिए, उसके बाद फिर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। और ऐसी जगह जाएंगे कि आप
देखेंगे। और आज हमें खसूसी जगह पे गदन सर भाई लेके जा रहे हैं, अब खुदा जाने वो कैसी जगह है। इंशाल्लाह वीलॉग में आप देखेंगे, आपको नज़ारे करा रहे हैं पिंडी के। कल हमने बिजनेस सबको कवर किया था, जहाँ पे हम असगर मॉल, राजा बाजार, बनी, इन तमाम जगहों पे गए थे। और एक बहुत ही यूनिक वीडियो बनाई थी हमने पुराने किले की, जो बरे सगीर पाक व हिंद के वक्त की थी। यार पुराने किले से वैसे उधर नाश्ता कर लेते हैं, बावड़ा बाजार इसी दिन इधर से आने नहीं, अभी तो वहाँ मुश्किल ही है सुबह के टाइम। लस्सी वहाँ से आए आए आए। लस्सी होनी चाहिए, अब भी क्या मिलेगी वो सुबह, उसके बाद मुक जाती है वो, बड़ा मशहूर। अब जो भी है पियो, आपके अच्छा सा नाश्ता करते हैं, डटे फुल फुला देती है। भाई ये कैसी बातें कर रहे हो यार, ये भी लोग चल रहा है भाई, आपको दूसरे क्या कर? एडिट मार रहे हैं, टूट 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 कर दे रहा हूँ, पता लगे आप। इंशाल्लाह हम आपको थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। डोज ये नाला लगी कि तू सोसाइटी नहीं है, हैं? लेकिन इधर एक अच्छी चीज़ ये है कि ग्रीन बेल्ट है, अब हमारी जो सोसाइटीज़ हैं उसमें भी ग्रीन बेल्ट मौजूद हैं, जैसे नया नाजाबाद है या महरिया टाउन है, ग्रीन बेल्ट ज़रूरी है, इससे आपके जो है ना वो साफ माहौल भी साफ रहता है और खूबसूरती भी बहुत आती है। नहीं नहीं होती है, क्यों नहीं होती? अभी हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं, ये रोड सीधा कहाँ जाएगा? अब ये रोड सीधा चल रहा है, पर भाई जो है वो मुझे यहाँ गन्ने का जूस खिलाने लाए, नाश्ता तो इन्होंने कराया नहीं, इन्होंने कहा भाईजान ये पहले गन्ने का जूस पी लो, भाईजान ये असली गन्ने का जूस है। ये भाई यहाँ पे मौजूद है, डिस्पोजेबल 60 का, शीशा 50 का। भाई डिस्पोजेबल में बनाना है, वैसे गिलास में बनाना है? नहीं नहीं गिलास के लिए, क्या डिस्पोजेबल में? ये रावलपिंडी के दो ठग हैं जो कुछ भी खिलाने पिलाने का इरादा नहीं रखते, पहले इन्होंने कहा रिफ्रेशमेंट की स्पेशल हवा पूरी खिलाएंगे, अब इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। हाँ रात में तो गदनसर भाई ने VIP तरीके के जो है वो खिलाए थे, क्या खिलाए थे? कबाब कढ़ाई और रेशमी कबाब। वाह वाह सुभान अल्लाह, और ये देखे रेशम की तरह चमक रहे हैं ये लोग, रेशमी कबाब खा गए। ये जगह कौन सी है मेरे भाई? पुराना एयरपोर्ट। बेटा ये है जी रिफ्रेशमेंट सेंटर, समझ हम यहाँ से
नाश्ता, फिर कहाँ जाएंगे? आपको बताएंगे कि पंडित की हलवा पूरी कैसी होती है, उसके बाद इस्लामाबाद। ये है रिफ्रेशमेंट की हलवा पूरी। जाफर भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गए, उनका इंतजार कर रहे हैं। एटीएम मारने गए।